आप सुन रहे हैं कहानी कब्रिस्तान का रहस्य, जिसे लिखा है रश्मि आर्या रीति ने। भाई भाई देख, जल्दी यहाँ भाई जल्दी। कल ही अपना 18वां जन्मदिन मना चुकी रोशनी ने आवाज देकर अपने भाई को बुलाया। वो अभी अपने घर की तीसरी मंजिल पर बने केवल एक कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ झांक रही थी। क्या हुआ दी, मैं यहीं तो हूं, आप इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही थी? कहता हुआ सार्थक रूम के अंदर आया। उसके हाथ में एक ड्राइंग शीट थी, जिस पर गहरी काली पेंसिल से एक हथियार नुमा कुछ बनाया हुआ था। सार्थ भाई देखना, वहां वहां आज फिर से आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। सार्थ, जब से हम यहां आए हैं तब से मैं ये तीसरी बार देख चुकी हूं। हर महीने की अमावस्या को यहां आग की लपटें दिखाई देती हैं। अच्छा सार्थ, ये बता अभी कितने बजे हैं? खिड़की से बाहर झांक रही रोशनी ने सार्थक की ओर देखते हुए पूछा। अभी दी, अभी तो 10 बज रहे हैं। चलो ना दी, ये सब छोड़ो और नीचे चलते हैं, वरना मां बहुत डांटेगी, सोने का समय हो रहा है, घड़ी देखते हुए सार्थक बोला और नीचे जाने लगा। रुक भाई सुनना, यार मेरी वहां जाने की इच्छा हो रही है, आखिर वहां क्या है और ये आग क्यों जलती है, और वो भी इतनी ऊपर तक कैसे? सार्थक को रोकते हुए वहां जाने की इच्छा जताते हुए रोशनी बोली। नहीं दी, वहां मत जाना, पता नहीं वहां क्या हो, सुना है अमावस्या वाले दिन भूत पिशाच चुड़ैल सब शैतान की उपासना करते हैं, और तो और वो लोग अमावस्या वाले दिन रात के 12 बजे नर बलि भी देते हैं। ना बाबा ना, वहां जाना तो दूर, मैं तो वहां जाने की सोचूंगा भी नहीं, और आप भी मत सोचना, मुझे पता है आपको नई नई चीजें देखने और सुनने का शौक है। आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे मरने से बहुत डर लगता है। अपनी आंखें बड़ी करके रोशनी को देखते हुए सार्थक ने वहां जाने से मना कर दिया। क्या रे सार्थक, डरपोक कहेगा, देख मैं तो मां से छुपकर जा रही हूं, अगर तुझे आना है तो आजा। कहते हुए रोशनी ने सार्थक के सर पर एक टपली मारी और रूम से बाहर आ गई। रोशनी जैसे ही बाहर की ओर निकली, वैसे ही सार्थक के हाथ में जो ड्राइंग शीट थी उससे उसका हाथ छू गया। रोशनी तो निकल गई, लेकिन अचानक ही उस शीट पर बनी हुई ड्राइंग सुनहरी रंग से चमकने लग गई, जिसे सार्थक नहीं देख पाया। रोशनी और सार्थक दोनों भाई बहन थे, जो बचपन में तो बहुत झगड़ते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे उन दोनों के बीच स्नेह बढ़ता गया। वो दोनों भाई बहन तो थे, लेकिन सौतेले। हाँ, वो सौतेले भाई बहन थे। रोशनी जब 3 महीने की थी तभी उसकी मां चल बसी। उसकी मां के मरने के 3 ही महीने बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सार्थक रोशनी से 2 ही साल छोटा था। सार्थक की मां ने कभी भी रोशनी को प्यार नहीं किया, लेकिन सार्थक के कारण वो उससे कुछ कहती भी नहीं थी। घर में रोशनी और सार्थक की मां दोनों अजनबियों की तरह ही रहा करते थे, लेकिन रोशनी के साथ सार्थक था तो उसे किसी चीज की भी कोई कमी नहीं होती थी। इन दोनों के पापा बाहर रहते थे। अभी 3 महीनों पहले ही इन्होंने इस शहर में एक 3 मंजिला खाली पड़ा मकान खरीदा था, वो भी बहुत कम कीमत पर, क्योंकि इसके आसपास कब्रिस्तान बने हुए थे। रोशनी रूम से बाहर निकल गई थी। सार्थक भी अपने हाथ में पड़ी शीट को वहीं कुर्सी पर रख रोशनी के पीछे पीछे चला गया। धी रुको ना यार, चलो ठीक है मैं भी चलता हूं, आपको अकेले तो नहीं जाने दे सकता ना। कहते हुए सार्थक दौड़ता हुआ रोशनी के पास आ गया और वो दोनों नीचे की तरफ चले गए। इधर वो ड्राइंग शीट अचानक ही उड़कर खिड़की के पास आ गई। देखते ही देखते खिड़की का कांच पिघलने लगा और जमीन पर बहने लगा था। रोशनी और सार्थक दोनों धीरे धीरे बिना पैरों की आवाज किए जैसे ही बाहर निकलने के लिए घर के दरवाजे की तरफ बढ़े, वैसे ही रोशनी को याद आया कि वो अपना फोन वहीं ऊपर कमरे में भूल आई है। वो सार्थक को रुकने का बोलकर वापस ऊपर की ओर चली गई। जैसे ही वो ऊपर आई,
वैसे ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके आसपास कुछ है। तीसरी मंजिल पर बस एक कमरे के सिवा कुछ भी नहीं था। उसने अपने आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन लाइट ऑन नहीं होने के कारण कुछ नहीं दिखा। मन का वहम समझकर रोशनी ने लाइट ऑन की, लेकिन वहां की लाइट ऑन होकर तेज रोशनी के साथ वापस बंद हो गई। ये सब छोड़कर वो अंदर कमरे में गई और एकदम से फिसल कर गिर गई। पूरा पिघला हुआ कांच रोशनी के शरीर पर चिपक गया। वो उठी और खुद को साफ किया। उसे लगा कि शायद यहां पानी गिरा हो। उसने अंधेरे में ही अपना मोबाइल खोजा और उठाकर जैसे ही रूम के बाहर आने लगी, वैसे ही उसकी नजर उस शीट पर गई। उसे ऐसे लगा जैसे वो शीट खिड़की के कांच से चिपकी हुई है। हे भगवान, ये सार्थक पता नहीं क्या करता रहता है, कहते हुए उसने वो शीट वहां से हटाई और टेबल पर रखकर चली गई। खिड़की का कांच पूरी तरह पिघल चुका था। रोशनी ने वो शीट टेबल पर रखी, लेकिन रोशनी के वहां से निकलते ही वो शीट तेजी से उड़ते हुए खिड़की से बाहर निकल गई। रोशनी और सार्थक निकल चुके थे उसी दिशा में जहां इन लोगों ने आग देखी थी। दी, क्या आपको भूत प्रेत पर विश्वास है? हम जहां जा रहे हैं वहां अगर सच में ऐसा हुआ तो? सार्थक ने अपनी बहन रोशनी के साथ चलते हुए पूछा और उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन रोशनी ने एक झटके से उसका हाथ छोड़ दिया और अचानक उसके सामने आ गई। सार्थक, मैं तुझे खा जाऊंगी, एक अजीब सी आवाज में बोलते हुए रोशनी बिखरे बाल आंखों के सामने आए हुए चेहरे पर शैतानियत के साथ सार्थक के सामने खड़ी हो गई। दी, सार्थक जोर से चिल्लाया और भागने ही वाला था कि रोशनी ने उसका हाथ पकड़कर हंसने लगी। अरे बुद्धू, मैं ही हूं, बस तुझे डरा रही थी वे, कहते हुए रोशनी ने अपने बाल सही किए और सार्थक को शांत किया। क्या दी, डरा दिया, कहते हुए सार्थक ने फिर से रोशनी का हाथ थाम लिया और दोनों उस ओर बढ़ते गए। आग की लपटें अब उन्हें बहुत करीब से दिखाई दे रही थीं। देखते ही देखते वो बहुत पास पहुंच गए थे। उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि वो लपटें एक कब्रिस्तान से आ रही थीं। वो दोनों मजबूती से एक दूसरे का हाथ थामे कब्रिस्तान की सीमा पर पहुंच चुके थे। जैसे ही वो सीमा तक पहुंचे, वैसे ही एक चमगादड़ों का झुंड बहुत तेज चित्कारते हुए वहां से उड़ गया। अचानक से वो तेज आग की लपटें धीरे होने लगी। जैसे जैसे वो कम हुई, वैसे वैसे उन्हें वहां एक आकृति दिखाई दी। वो शायद कुछ पूजा पाठ कर रही थी। उसे देखकर रोशनी को याद आया कि सार्थक ने उसे कहा था कि कब्रिस्तान में शैतान की पूजा की जाती है। कुछ सोचकर रोशनी आगे बढ़ी, लेकिन उसके आगे बढ़ते ही कब्रिस्तान पूरा का पूरा हिल उठा। पेड़ पर बैठे उल्लू चमगादड़ के झुंड चिल्लाने लगे और उड़ते हुए उन दोनों के आसपास मंडराने लगे। कोई कोई उन्हें घायल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये क्या, जैसे ही रोशनी का हाथ किसी उल्लू या चमगादड़ को छूटा, वो वहीं गिर जाते और मर जाते। लेकिन इस बात का ध्यान ना तो रोशनी ने दिया, ना ही सार्थक ने। जैसे तैसे वो आगे बढ़े। वो दोनों डरते डरते एक एक पग सावधानी से बढ़ा रहे थे कि अचानक एक पेड़ से उन दोनों के सामने एक चुड़ैल लटक गई। दोनों ही चिल्लाते हुए पीछे हो गए। वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक चीत्कार के साथ उन दोनों के सामने आ गई। दिखने में वो एकदम बड़ी चमगादड़ जैसी लग रही थी और चेहरा एकदम काला सड़ा हुआ और अपनी लाल आंखों से देखते हुए आगे बढ़े जा रही थी। वो दोनों धीरे धीरे पीछे हुए जा रहे थे। अचानक वो चुड़ैल रोशनी पर झपटी, लेकिन खुद ही एक चीत्कार भरते हुए उन दोनों से बहुत दूर जा गिरी। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक उन्होंने देखा
कि बहुत से पिचाशों और चुड़ैलों ने उन्हें घेर रखा है और अजीब अजीब सी आवाजें निकालते हुए उनकी ओर बढ़ रहे थे। डर के मारे दोनों के हलक सूख चुके थे। दी दी मुझे बहुत डर लग रहा है, हम क्यों आए यहां पर? यदि मम्मी को पता चल गया तो क्या होगा? सार्थक डरते हुए बोला। सार्थ, जिंदा रहेंगे तो मां को पता चलेगा ना, अभी तो यहां से बचने के बारे में सोचो, रोशनी उन सब चुड़ैलों को देखती हुई बोली। तभी रोशनी को उन चुड़ैलों के बीच से ही निकलने के लिए जगह दिखाई दी। सार्थ, भागो यहां से, जल्दी निकलो, कहते हुए रोशनी ने सार्थक का हाथ पकड़ा और भागते हुए पिचाशों और चुड़ैलों के बीच से निकल गई। वो भागने लगे, लेकिन अचानक ही भागते भागते एक कब्र से टकरा कर दोनों नीचे गिर गए। सार्थक झट से वापस खड़ा हो गया और रोशनी को हाथ देकर खड़ा किया। जैसे ही रोशनी खड़ी होकर आगे बढ़ी, वैसे ही कब्र से एक काला सा कुछ बड़ा सा हाथ निकला और रोशनी के उस हाथ ने पैर पकड़ लिए। रोशनी और सार्थक की चीख निकल गई। रोशनी खुद को छुड़ाने के लिए प्रयास करने लगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसे ही रोशनी ने अपने हाथ से उस हाथ को छुआ, वैसे ही वहां एक भयंकर चीख निकली और वो हाथ जल गया। ये देख रोशनी और सार्थक दोनों हैरान रह गए। दी, ये क्या हुआ था? आपने जैसे ही हाथ लगाया, वो हाथ कैसे जल गया? क्या आप में कुछ शक्तियां हैं या ये सिर्फ इत्तफाक था? सार्थक ने हैरानी से पूछा। तभी अचानक हवाएं चलने लगी बहुत तेज और अजीब अजीब सी आवाजें भी आने लगी थी। बहुत दूर से एक उड़ती हुई चीज आते हुई दिखाई दी, जिससे बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। वो आग की लपटें फिर से तेज हो गईं और चारों तरफ भयानक माहौल हो गया। तभी एक बहुत खतरनाक आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। आज मेरा 100 साल पुराना सपना पूरा होने वाला है। इस पूरी दुनिया पर मेरा राज होगा। आज शैतान को प्रसन्न कर मैं बहुत सी शक्तियां अर्जित करने वाली हूं, कहता हुआ एक काला सा साया उन्हें उस आग की लपटों के बीच में दिखाई दे रहा था। देखते ही देखते वो आग की लपटें और वो काला साया उन दोनों के काफी करीब आ गया था। वो दोनों बुद्ध बने ऐसे ही खड़े ये सब देख रहे थे। जरूरत थी मुझे तुम दोनों इंसानों की। ये कायनात भी यही चाहती है कि मैं अपनी शैतानियत के बल पर इस पूरी दुनिया पर राज करूं। उस साये की हंसी पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। अचानक वो साया उड़ती हुई चमकती हुई चीज को देखकर उसे अपने पास बुलाने के लिए कुछ मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने कुछ मंत्र पढ़ा, वैसे ही वो उड़ती हुई चीज उसके हाथों में आ गई। ये वही शीट थी जो सार्थक के हाथ में थी। सार्थक ने इसे देखते ही पहचान लिया। अरे अरे, ये तो वही ड्राइंग शीट है जो मुझे उस स्टोर पर मिली थी और मैं आपको दिखाने के लिए लाया था दी, हड़बड़ाते हुए सार्थक बोला। अचानक पूरा कब्रिस्तान कांपने लगा और जहां रोशनी और सार्थक खड़े थे, वहां से कुछ ही दूरी पर धरती फट गई और एक कब्र उससे बाहर आ गई। जैसे ही कब्र बाहर आई, उस काले साए के चेहरे पर से नकाब हट गया। मां मां, आप? सार्थक और रोशनी दोनों एक साथ चिल्लाए। हां, मैं, और मैं तुम लोगों की मां नहीं हूं, 100 साल पुरानी पिचाशनी हूं जो ना अपने परिवार की होती है और ना ही अपने बच्चों की। मुझे शैतानियत ताकतों के लिए अपने ही खून की बलि देनी थी, लेकिन ये लड़की मेरी दुश्मन है। इसकी अच्छाई की ताकतों के आगे मेरी शक्तियां कमजोर पड़ गईं। बहुत बार इसने तुझे जाने अनजाने बचा लिया, लेकिन आज नहीं, आज कोई नहीं बचेगा। ये देख रहे हो, उसने उस ड्राइंग शीट की तरफ इशारा करते हुए कहा, जब मेरे आका को इस कब्र में डाल दिया गया था, उससे पहले इन्होंने ये कागज दिया था और बताया था कि जो कोई अच्छी शक्ति इसे छुएगी तो ये कागज से निकलकर बाहर आ जाएगा। बचपन में एक बार इस लड़की ने इसे छुआ तो ये एकदम से जगमगाया, लेकिन उस वक्त
ये 18 की नहीं थी। इतने सालों में मैं इसके 18 होने का इंतजार कर रही हूं, इसलिए आज से 3 महीने पहले से यहां बलि देकर अनुष्ठान कर रही थी ताकि ये लड़की 18 की होते ही इसे छुए और बाहर आ जाए। आज आखिरी बलि है और वो बलि है मेरे अपने खून की। कहते हुए एक भयानक हंसी के साथ अपना हाथ लंबा करके सार्थक को उसकी गर्दन पकड़कर उठा लिया। सार्थक दर्द के मारे तड़पने लगा। दी बचाओ, मां छोड़ो, छोड़ दो मुझे। सार्थक खुद को छुड़ाने का प्रयास करने लगा लेकिन नहीं छुड़ा पाया। रोशनी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। अचानक उसे वो शीट दिखी जिस पर अभी भी रोशनी चमक रही थी। सार्थक को उठाने के चक्कर में उसकी मां ने उस शीट को छोड़ दिया था। वो शीट वहां से उठती आग की लपटों के पास ही गिरी पड़ी थी। रोशनी आग की तरफ भागी और उस शीट को उठा लिया। आग के पास पहुंचते ही रोशनी के शरीर पर लगा कांच का पदार्थ फिर से पिघलने लगा था और जमीन पर गिरते हुए एक गोला सा बन गया। देखते ही देखते रोशनी के हाथ में पकड़ी गई शीट अचानक से परिवर्तित होकर एक हथियार का रूप ले चुकी थी। जैसे ही वो शीट हथियार में बदली वैसे ही आसमान से एक रोशनी उस हथियार पर गिरी। पूरे कब्रिस्तान में रोशनी फैल गई। वो 100 साल पुरानी पिचाशन दर्द से चिल्ला पड़ी और उसने सार्थक को छोड़ दिया। सार्थक दौड़कर रोशनी के पास आ गया। आसमान से निकली तेज रोशनी रोशनी के शरीर पर लगे कांच के तरल पदार्थ से टकराकर पूरे कब्रिस्तान पर फैल गई और इसी रोशनी से पूरे कब्रिस्तान के पिचाश और चुड़ैल जलकर खाक हो गए। लेकिन वो 100 साल पुरानी पिचाशिनी नष्ट नहीं हुई क्योंकि वो इंसानी रूप में थी। इसी रोशनी से जमीन से निकलने वाली कब्र वापस जमीन में चली गई। अचानक रोशनी को एक आवाज सुनाई दी जो वहां बनी एक पवित्र कब्र से आ रही थी। उससे भी एक अलग ही तरह की रोशनी निकल रही थी। रोशनी, इस हथियार से तुम इस पिचाशिनी के इंसानी शरीर को खत्म कर दो ताकि आसमानी रोशनी से भी ये जलकर खाक हो जाए। मैं जानती हूं कि तुमने इसे अपनी मां का स्थान दिया लेकिन इसके शरीर में पिचाशिनी निवास करती है तो तुम्हें इसे मारना ही होगा। कहते हुए उस कब्र की रोशनी गायब हो गई। मार डालो मुझे लेकिन मैं फिर आऊंगी अपना बदला और अपना सपना पूरा करने। और मुझे मार भी दिया तो क्या, इस कब्रिस्तान का रहस्य तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, कभी नहीं। कहते हुए वह पिचाशिनी भयानक रूप से हंसने लगी। तभी रोशनी उस कांच के घेरे सहित आगे बढ़ी और उस हथियार को पिचाशिनी के शरीर में घोंप दिया। एक भयंकर चित्कारे से पूरा कब्रिस्तान कांप उठा और इसी के साथ वो पिचाशिनी जलकर खाक हो गई। पिचाशिनी के राख हो जाने के बाद वहां सब कुछ सामान्य सा हो गया। आग की लपटें भी बंद हो चुकी थी और रोशनी के चारों ओर बना कांच का घेरा भी गायब हो गया था। रोशनी और सार्थक भागते हुए उस कब्रिस्तान से बाहर आ गए थे और अपने घर वापस पहुंच चुके थे। उसी समय कब्रिस्तान में एक बार फिर भयानक आवाज गूंजी। मैं वापस आऊंगी, आऊंगी जरूर। और इसी के साथ जो कब्र जमीन में चली गई थी वहां एक दैत्यकार विशाल कंटीला का पेड़ उगाया था। आज भी उस कब्रिस्तान का रहस्य बरकरार है और वो 100 साल पुरानी पिचाशिनी फिर से आने के लिए उसी पेड़ की जड़ों में बैठकर तपस्या कर रही है।